सिस्टर्स का जवाब यह है, नंबर एक, शहादत की उंगली शुरू अत्तहियात बैठने से लेके आखिर सलाम फेरने तक या खड़े होने तक पूरे तशहुद में उठाना चाहिए। इसकी जो है वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के लफ्ज़ पे उठाने की कोई दलील नहीं है, शुरू से लेके आखिर तक इसे उठाना चाहिए। नंबर एक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इब्ने उमर की और बाकी तमाम और भी बहुत से सहाबा से, वाले इब्ने हजर रजी अल्लाह तआला अनु से भी, नसाई में, अबू दाऊद में रिवायात मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली तशहुद में उठाते थे। इस किसी सहाबी ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठाने का जिक्र नहीं किया। और ये भी अल्फाज मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से इशारा करते थे और दुआ करते थे, जबकि दुआ यानी दुरूद शरीफ के बाद जाके आती है। तो इसलिए तहियात के शुरू से उठाकर आखिर दुआ तक जो है मुसलसल उंगली उठाए रहने चाहिए, यह है इसका जो है वो ड्यूरेशन जो है। दूसरी उंगली जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा यानी क़िबले के रुख पे उठाना है, इसमें कोई खम नहीं है, सीधी उंगली जो है वो करनी चाहिए, खम वाली जो है कोई ऐसी रिवायत नहीं है, सीधी उंगली जो है उठाकर उसका क़िबले रुख होना चाहिए। तीसरी चीज जो है हिलाने की बात जो है, तो याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उंगली इशारा करते हुए हिलाने का जिक्र मौजूद है, और यह भी जिक्र मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली जो है वो बिल्कुल सीधी गाड़ के रखते थे। गाड़ना और इशारा हिलाना दोनों अल्फाज नसाई में मौजूद हैं, और दोनों में यह है कि अगर उंगली सीधी गाड़ के रखी, खड़ी करके रखी जाए क़िबले रुख पर, तो वो भी जायज है, लेकिन अगर उसमें हरकत दी जाए तो वो थोड़ी सी हरकत ही हो, ठकाटक तेज, यूं हरकत नहीं मकसूद है, बल्कि मकसद है कि जो इंसान पढ़ रहा होता है उसके साथ उंगली मैच कर रही हो। यानी जब टीचर क्लासरूम में कभी पढ़ा रहा होता है तो वो अपने उसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ इशारे भी हाथ से करता है, ये बैठ जाओ, ये खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इसी तरह जब इंसान पढ़ रहा होता है अत्तहियातुलिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, जैसे इंसान उंगली से भी बातें कर रहा है उस तरह अल्फाज के साथ इस उंगली का हिलाना मकसद है कि जैसे जैसे इंसान पढ़ रहा होता है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन, जैसे जैसे इंसान कर रहा है इस तरह करके उसका इशारा मकसूद है, बिल्कुल जोर जोर से उसका हिला रहना वो मकसद नहीं होता है।